Hello everyone, today we will study Bellman-Ford algorithm. It is a single source shortest path algorithm. What is the single source shortest path algorithm? For example, in this graph we have four vertices and each has a weight. We also given a source vertex A. In single source shortest path algorithm, we have to find shortest distance between source vertex to every other vertices. फॉर एग्जाम्पल आपको ए से बी तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है, ए से सी तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है और ए से डी तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. यानी आपको सोर्स गिवन है और सोर्स से रिमेनिंग जितने भी वर्टाइसेस है उन तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है. इट जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, इसको हमने पहले भी डिस्कस करा था. इसकी जो एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी वो थी डाइक्स्ट्रा. इन डाइक्स्ट्रा we also calculate the shortest path between a source vertex to every other vertices in a graph. Dijkstra और Bellman-Ford में difference क्या है? Dijkstra में जो ये graph पे जो edges given है, इन edges पे जो weight है वो हमेशा positive रहेगा. यानी Dijkstra अगर किसी भी graph पर negative weight है तो उसके लिए shortest path कभी calculate सही भी देगी और कभी calculate करके सही नहीं भी देगी. तो ऐसा बोल सकते हैं कि Dijkstra के लिए जो ग्राफ की एजेस पे जो वेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. जबकि Bellman-Ford एल्गोरिथम में अगर एजेस पर वेट नेगेटिव भी होगा तो भी ये ग्राफ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर लेगी. ठीक है, Bellman-Ford का भी एक डिसएडवांटेज है. वो डिसएडवांटेज क्या है कि Bellman-Ford एल्गोरिथम नेगेटिव वेट साइकिल अगर हो ग्राफ में तो उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकती. तो व्हाट इज द नेगेटिव वेट साइकिल, इसको मैं आगे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी. पर फिर भी अगर नेगेटिव वेट साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके तीन वर्टेक्स है ए बी एंड सी और आप देख रहे हैं कि ये एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, एक क्लोज पाथ बन गया है यहाँ पर ए से बी, बी से सी और हर एक के करस्पॉन्डिंग जो वेट गिवन है उसमें कुछ एजेस पर वेट नेगेटिव भी है और एक एज पर वेट पॉजिटिव भी है. तो अगर इनका सम निकालें तो सम कितना हो जाएगा? 2 - 3 - 1 यानी -2 इसका टोटल सम आ रहा है. तो इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेट साइकिल बोलते हैं. तो अगर किसी ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल होगी तो उसका हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी. और तो अब Bellman-Ford एल्गोरिथम को समझते हैं कि वर्क कैसे करती है. जैसे Dijkstra में करा था, Bellman-Ford एल्गोरिथम भी रिलैक्सिंग ऑफ एजेस पर काम करती है. तो रिलैक्सिंग क्या है? एजेस को कैसे रिलैक्स करते हैं? फॉर एग्जांपल ये दो वर्टाइसेस है किसी ग्राफ में U एंड V. ये U तक पहुंचने का कॉस्ट है और ये V पर पहुंचने का कॉस्ट है और इनके बीच में जो एज है उसका कॉस्ट ये गिवन है. ठीक है, तो रिलैक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ V इज ग्रेटर देन, इफ कॉस्ट ऑफ V इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ U प्लस सी यू टू वी. यानी आप क्या कर रहे हैं कि ये जो ऑलरेडी कॉस्ट मेंशन है वो अगर इन दोनों के सम से ज़्यादा है तो आप इस वी तक पहुंचने वाली कॉस्ट को क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक वर्टेक्स वन है और ये एक वर्टेक्स टू है, इनके बीच में वेट गिवन है 5 और यहाँ पर इसका जो ऑलरेडी जो वेट है वो 0 है और यहाँ पर गिवन है 12. ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 पर पहुँचने की कॉस्ट कितनी है? 12 है. अगर हम इनका सम निकालें कि 0 प्लस 5 इज लेस देन 12, जो ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, कॉस्ट 2 पर पहुँचने की कॉस्ट कितनी है? 12 और 1 पर पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 0. तो अगर हम 1 का यूज़ करते हुए इस एज का यूज़ कर 1 - 2 एज का यूज़ करते हुए इस वेट को रिलैक्स करें तो कैसा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 0 प्लस 5 से. तो हम इस 12 को अपडेट कर देंगे किससे? 5 से अपडेट कर देंगे. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एक और वर्टेक्स ले लिया है मैंने ए और ये वर्टेक्स है बी. ठीक है, इसकी कॉस्ट थी 0 और इसकी कॉस्ट थी इन्फिनिटी और यहाँ पर जो इनके बीच में जो एज कनेक्टेड है उसकी कॉस्ट कितनी गिवन है? 2. तो अगर इसको रिलैक्सिंग परफॉर्म करें तो क्या हो जाएगा कि जो बी पर पहुँचने की कॉस्ट कितनी है वो इन्फिनिटी है, जो ज़्यादा है किससे? ये 0 + 2 से. ठीक है,
ठीक है, यानी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें यहाँ तक पहुंचना है, तो ये cos 0 है और प्लस 2 और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, जो इन्फिनिटी से क्या है ज़्यादा है, तो हम इस cost को अपडेट कर देंगे किससे, 2 से। तो ये किसका फॉर्मूला है, रिलैक्सिंग का फॉर्मूला है, कि आप कैसे रिलैक्स करते जाएंगे हर एज को। ये हमने डाइक्स्ट्रा में भी करा था, उसमें भी मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया था आपको। अब बेलमैन फोर्ड में ये रिलैक्सेशन कितनी टाइम परफॉर्म करना है हमें, एन माइनस वन टाइम्स। एन माइनस वन टाइम्स क्यों करना है, और व्हाट इज द एन, एन इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ए ग्राफ, यानी यहाँ पर एन क्या है, वी, वी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ए ग्राफ। तो हर एक ग्राफ को हमें एन माइनस वन टाइम्स तक उसकी सारी एजेस को क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो एन माइनस वन टाइम्स तक ही क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, अगर इस ग्राफ में हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 3, ठीक है, तो इस ग्राफ का लॉन्गेस्ट पाथ कितना हो जाएगा, अगर आप सारे वर्टाइस को एक स्ट्रेट लाइन में भी रख दें, ए टू बी, बी टू सी, यानी मैक्सिमम कितनी एजेस होंगी, 2 ही एजेस हो सकती है। यानी अगर किसी ग्राफ में आपको लॉन्गेस्ट पाथ भी कैलकुलेट करना है, तो अगर उसमें n वर्टाइसेस हैं, तो उसमें लॉन्गेस्ट पाथ की लंबाई कितनी होगी, n माइनस वन एजेस होगी, ठीक है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या करती है, कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या थी, कि जिसमें हमें सारे पाथ कंसीडर करने हैं, जब हम सारे पाथ कंसीडर कर चुके होंगे तो हम उसमें से बेस्ट पिक करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी ग्राफ को हमको रिलैक्सिंग करना है, यानी बेलमैन फोर्ड वर्क ऑन रिलैक्सिंग ऑफ ऑल द एजेस रिपीटेडली रिलैक्स, हाउ मेनी टाइम्स, एन माइनस वन टाइम। वाई एन माइनस वन टाइम्स, बिकॉज इन एनी ग्राफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन वर्टाइसेस इज एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एजेस, ठीक है। तो अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली हमें कैसे इस एल्गोरिथम को वर्क करना है। ये मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा था, एग्जाम्पल भी दिया था जब मैंने डाइक्स्ट्रा समझाई थी, फिर भी मैं इसका एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कोई ग्राफ गिवन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेट जो है, ये वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है। एक तो डायरेक्शन गिवन है हर एक ग्राफ में, एजेस के बीच में डायरेक्शन गिवन है, और हर एक एज पर वेट भी गिवन है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वेट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम नेगेटिव वेट पर भी काम करती है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कहाँ यूज आती है, राउटिंग एल्गोरिथम में इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे परफॉर्म होने वाला है वर्क, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कि जितनी भी एजेस हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ लिख के रखी है, लिस्ट ऑल द एजेस। ये जो एजेस की लिस्ट बनाई है ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। अभी फिलहाल मैंने क्या रखा है कि 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, जितनी भी एजेस हैं, यानी 1 to 2 हो गया, फिर 1 to 3, फिर मैंने ले लिया 2 to 4, फिर 3 to 2, 3 to 4, 3 to 5 और 4 to 5, यानी यार टोटल देखें तो कितनी है, 7 एजेस हैं। और यहाँ काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं। तो आपने सारी एजेस की क्या कर ली, एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। ये जो ऑर्डर लिखा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में एजेस की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, जो सोर्स वर्टेक्स है, यहाँ हमें सोर्स वर्टेक्स क्या गिवन है, वर्टेक्स नंबर 1। तो सोर्स वर्टेक्स की डिस्टेंस को आपको किससे इनिशलाइज करना है, 0 से, और रिमेनिंग को किससे इनिशलाइज करना है, इन्फिनिटी से। ये देख लीजिए कि मैंने सारे वर्टेक्स बना दिए हैं, यहाँ मैंने जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी डिस्टेंस रखी है 0, और रिमेनिंग सारी डिस्टेंस को मैंने किससे इनिशलाइज कर दिया है, इनफाइनाइट से इनिशलाइज कर दिया है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो हम एक टेबल में भी स्टोर करते जाएंगे। यहाँ टेबल में मैं क्या कर लेती हूँ, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उनको लिख लेती हूँ। यहाँ इसको बोल देते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस होगी, इसको के से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इटरेशन, कि कितनी इटरेशन हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमने पहले ही बताया कि जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे, यहाँ कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, यहाँ नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं कितने, 5। तो हम इस एल्गोरिथम में इतनी सारी एजेस को कितने नंबर ऑफ टाइम रिलैक्स करेंगे, n माइनस वन टाइम, यानी v माइनस वन भी बोल सकते हैं आप इसको,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम। यानी आप ऐसा बोल दें कि 4 टाइम आप इन सारी एजेस को क्या करने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं, यानी 4 इटरेशन इस ग्राफ में होने वाली है। तो अभी फिलहाल 0 इटरेशन में हम बोल देते हैं कि अभी हमने फिलहाल क्या करा है, इनिशलाइज करा है। तो 1 वर्टेक्स को हमने किससे इनिशलाइज कर दिया है, 0 से, और रिमेनिंग सारे को किससे इनिशलाइज कर दिया है, इनफाइनाइट से। ठीक है, अब स्टेप परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, रिलैक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एज कंसीडर कर रहे हैं वो हम कौन सी कर रहे हैं, 1 to 2 कंसीडर कर रहे हैं। ये रही मेरी 1 और ये मेरी 2 वाली, 1 to 2 वाली एज है। तो यहाँ पर अगर रिलैक्सिंग करें तो ये मेरा कौन सा वर्टेक्स हो गया है, यू वर्टेक्स हो जाएगा, और ये मेरा कौन सा वर्टेक्स हो जाएगा, वी। तो अगर इनको रिलैक्स करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 6 इज लेस देन इन्फिनिटी। ये देख लीजिए, 0 + 6 इज लेस देन इन्फिनिटी। ये v है, ये u है, और ये कॉस्ट है इन दोनों के बीच की एज। तो ये जो फॉर्मूला था मेरा, यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा है मैंने। तो ये क्या है, 0 + 6 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर देंगे, 6 से अपडेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एज कौन सी कंसिडर करेंगे, 1 to 3। ये रही 1 to 3। यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 1 पर पहुंचने वाली कॉस्ट कितनी है, 0, और इनके बीच में जो एज है उसकी कॉस्ट कितनी, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 5 इज लेस देन इन्फिनिटी। यस दिस इज ट्रू। तो हम इसको भी किससे अपडेट कर देंगे, 5 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कौन सी एज कंसीडर कर रहे हैं, 2 to 4। ये मेरी 2 है और ये मेरी 4 है। तो 2 पर पहुंचने की कॉस्ट गिवन है 6, और यहाँ पर 4 पर पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, इन्फिनिटी, और इनके बीच में जो एज है वो कितनी है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, क्या इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 6 - 1? यस दिस इज ग्रेटर देन। तो हम इसको भी किससे अपडेट कर देंगे, 5 से। क्यों करा है, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एज कंसिडर करेंगे 3 to 2। ये 3 है और ये 2 है। अब 3 पर जो पहुंचने की कॉस्ट आपको पता है कि आपने अपडेट कर दी है, ये कितनी है, 5, और ये कितना है, -2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 इज लेस देन 6। ये यहाँ रहा, ये मेरा v हो जाएगा और ये मेरा u हो जाएगा। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 6, लेस देन 6। यस कंडीशन ट्रू। तो ये जो 6 अपडेट हुआ था इसको भी हमने चेंज कर दिया कितने से, 3। ये 5 - 2 यानी 3, और 3 इज लेस देन 6, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, अपडेट कर दिया। ये वाली एज भी कंसीडर हो गई। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, 3 to 4। ये रहा 3 और ये रहा मेरा 4। तो 3 पर पहुंचने की कॉस्ट ऑलरेडी मेंशन है 5, और ये u, ये कितनी है, 4। तो 5 + 4 हो गया 9, और ये कितना है ऑलरेडी, 5। ये मेरा 5 ऑलरेडी छोटा है, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है, 9। तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी एज आ गई, हमारी 3 to 5। ये रहा 3 और ये मेरा 5। ये कितना है, 5 + 3 कितना हो गया, 8, और ये इन्फिनिटी है। तो इसको किससे अपडेट कर देंगे हम, 8 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एज कौन सी रही, 4 to 5। तो ये 4 to 5 कौन सी वाली रही, ये वाली 4 to 5। तो अब इसको अपडेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना है, 8, और ये ऑलरेडी 8 है, मतलब आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द चेंजेस इस फर्स्ट इटरेशन में ही हो चुके हैं, फर्स्ट इटरेशन को यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब फर्स्ट इटरेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ, ये तो 0 ही रहा मेरा। 1 to 2 पर पहुँचने की कॉस्ट कितनी हो गई, 3। 1 to 3 पर पहुंचने की, मतलब थर्ड वर्टेक्स पर पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 5, और 4 पर पहुंचने की कॉस्ट भी कितनी है मेरी, 5, और यहाँ पर पहुंचने वाली कॉस्ट कितनी है मेरी, 8। तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन में, ये मैंने इटरेशन नंबर लिखा है, ये चेंजेस परफॉर्म हुए। अब सेकेंड इटरेशन फिर से परफॉर्म करेंगे, जो जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पर हम फिर से मैंशन कर देंगे। तो इस ग्राफ को मैं फिर से बना लेती हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ मैंने बना के रखा है, और जो चेंजेस मेरे लास्ट में हुए थे वो भी मैं अपडेट कर देती हूँ। ये 0 था, ये 3 हो चुका था, और ये 5 हो चुका था, और ये भी 5 था, और ये मेरा कितना हो चुका था, 8 हो चुका था। ठीक है, और ये फर्स्ट इटरेशन का भी मैं बना लेती हूँ कि फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन माय वैल्यूज आर दीज। ठीक है, अब सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करनी है हमें। ये कितनी इटरेशन परफॉर्म करनी है, 4 इटरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 5। तो हम ये कितने बार करेंगे, ये रिलैक्सेशन 4 बार करेंगे। ठीक है, वापस से अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोसेस। अब अप्लाई करा, एजेस पे से स्टार्ट करते हैं, एजेस भी यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। 1 to 2, ये रहा 1 to 2। ये 0 + 6 इज लेस देन 3,
ये 6 है और ये 3 है, तो मतलब ये ऑलरेडी छोटा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 2, नेक्स्ट एज है 1 2 3, ये हो चुका है ये 1 2 3। ये 0 है, 0 प्लस 5, यानी 0 प्लस 5 इज़ लेस देन 5, ऑलरेडी छोटा नहीं है, बराबर है, इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एज कंसिडर करेंगे 2 2 4, ये रहा 2 और ये रहा 4। ये है 3, 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, और ये कितना है 5, तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हम इसको किससे चेंज कर देंगे, 2 से चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 3 2 2, 3 2 2, ये रहा 3 2 2, ये 5 है और ये 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 3, जो ऑलरेडी 3 है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये भी हो गया 3 2 2। अब 3 2 4, 3 2 4, ये रहा 3 2 4, ये 5 है, 5 प्लस 4 यानी यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 इज़ लेस देन 2, नहीं लेस देन नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी मिनिमम वैल्यू है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी ये वाली एज भी कंसीडर हो गई। अब 3 2 5 देखें, ये 3 है और ये 5 है, ये 5 प्लस 3 यानी कितना हो गया 8, और ये ऑलरेडी 8 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अब लास्ट एज कंसीडर कर रहे हैं कौन सी, 4 2 5, ये रहा 4 2 5, ये है 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और यहाँ कितना है 8, यानी हमें और मिनिमम वैल्यू मिल गई। कैसे मिली, 2 प्लस 3 इज लेस देन 8, वैल्यू मिनिमम मिल चुकी है, तो हम इसको किससे अपडेट कर देंगे, 5 से अपडेट कर देंगे। फिर से सारी एजेस को हमने रिलैक्स कर दिया, जो जो भी चेंजेस हुए उनको वापस में मेंटेन कर लेते हैं। 2 पर जो पहुंचने का कोई चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 3 पर पहुंचने में भी कोई चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, 4 वाली वैल्यू हमारी चेंज हो गई है 2 से, और ये 5 वाली वैल्यू भी हमारी किससे चेंज हो गई है, 5 नंबर वर्टेक्स पर भी वैल्यू किससे चेंज हो गई है, 5 से। आप थर्ड टाइम फिर से ये इटरेशन परफॉर्म करेंगे, थर्ड टाइम इटरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर से वही सारी एजेस कंसीडर करेंगे, फिर से 1 से चलेंगे, फर्स्ट एज से 1 2 2, 0 प्लस 6, 3 कोई चेंज नहीं, 1 2 3 यानी ये हो चुका है 1 2 3, ये रहा 1 2 3, 0 प्लस 5 ऑलरेडी 5 कोई चेंज नहीं, 2 2 4, ये रहा 2 2 4, ये 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2, ऑलरेडी मिनिमम है, 3 2 2, 3 2 2 चेक कर ले, 3 2 2, 5 माइनस 2 यानी 3 कोई चेंज नहीं हुआ, 3 2 4, 3 2 4 ये रहा, ये हुआ 5 प्लस 4 यानी 9, ये ऑलरेडी मिनिमम है कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, 3 2 5, 5 प्लस 3 8 है, और यहाँ कितना मिल चुका है मुझे 5, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी देखें तो ये कितना है 2 प्लस 3 और ये ऑलरेडी 5 है, यानी कोई चेंज परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये वाली वैल्यूज़ मैं वापस से एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब लास्ट इटरेशन सेम वही का फॉलो करेंगे, वैसे हम देखें तो अगर हमने थर्ड इटरेशन में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए हैं तो अगर हम फोर्थ इटरेशन भी परफॉर्म करेंगे तो मेरी ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ ही रहने वाली है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, 0 प्लस 6, 3 ऑलरेडी मिनिमम, 0 प्लस 5, 5 ऑलरेडी मिनिमम है, इसको देख ले, 3 माइनस 1 यानी 2, और यहाँ ऑलरेडी 2 है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5 माइनस 2 ये ऑलरेडी 3 है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस 4 ये 9 हो गया और ये 2 मेरे पास पहले से मिनिमम है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5 प्लस 3 लेस देन 5 ये 8 है, ये 5 है मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, 2 प्लस 3 5 ये मिनिमम है ऑलरेडी मेरे पास 5 तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर्थ इटरेशन में भी मेरे कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो अगर आप इटरेशन परफॉर्म कर दें आफ्टर 1 और 2 ही सारी चेंजेस परफॉर्म हो जाते हैं, 3 और 4th में तो मेरी वैल्यूज़ क्या रही, सेम ही रही, तो आप चाहें तो ये थर्ड इटरेशन तक जाकर भी इसको स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में तो पूरी इटरेशन तक सारी वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, स्टेप नंबर 1 थी कि आपने सारी एजेस को लिस्ट आउट कर दिया, सारी एजेस को किसी भी ऑर्डर में लिस्ट आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, इनको सोर्स वर्टेक्स को 0 से इनिशलाइज कर दिया, और रिमेनिंग को किससे इनिशलाइज कर दिया, हमने इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर दिया, और उसके बाद हमने क्या करा, रिलैक्सिंग करना स्टार्ट करा। तो रिलैक्सिंग करना कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो इसको मान लेते हैं हम हमेशा u और इसको मान लेते हैं हम हमेशा v, तो ये u वाली वैल्यू क्या रहेगी, 0 प्लस 6 अगर लेस देन है, जो v पर ऑलरेडी वैल्यू मेंटेन है अगर उससे छोटी है तो हम आपको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अगर बड़ी रहती है तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 0 प्लस 6 कितना हो गया, 0 प्लस 6
यहाँ पर ऑलरेडी कितना है 3, तो ये क्या छोटा है? नहीं, ये छोटा नहीं है, ये जो वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है वो क्या है? छोटी है, तो हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम का एग्जाम्पल था। अब इस बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में क्या ड्रॉबैक है वो मैं आपको बता देती हूँ। ड्रॉबैक बताने से पहले मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना बता देती हूँ आपको, कि अगर ग्राफ में ई नंबर ऑफ एजेस हैं तो हर एज को हम कितने टाइम रिलैक्स कर रहे हैं? वी माइनस वन टाइम रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वी माइनस वन टाइम, अगर वर्टाइसेस को भी हम एन से रिप्रेजेंट कर दें और एजेस को भी ई से, ई की बजाय एन से ही रिप्रेजेंट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन टाइम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के फॉर्म का हो जाएगा। ई हमारी एजेस की लिस्ट थी, यहाँ पर हम देखें कि एजेस कितनी थी हमारी इसमें, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस 7 एजेस थी और उनको हमने कितने टाइम रिलैक्सेशन, उन पर कितने टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म करा था? 4 टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म करा था। तो ई नंबर ऑफ एजेस हैं और उन पर हमने अगर वी माइनस वन टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म कर दिया, तो हमारा अगर इन दोनों को, ई और वी को हम एन से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये किसके ऑर्डर की हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की हो जाएगी। और अगर आपका ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होता, कंप्लीट ग्राफ किसको बोलते हैं? जिसमें अगर ये जैसे वर्टिसेस, चार वर्टाइसेस है डी, और हर वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी हर वर्टाइसेस के बीच में एक पाथ है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। ये किसी भी कंप्लीट ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है, ठीक है। तो अगर इस कंप्लीट ग्राफ पर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऑर्डर की निकलेगी? कि इसमें एजेस कितनी हो जाएगी? इतने नंबर ऑफ एजेस हो जाएगी, और इन एजेस को हमें कितने टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म करना है? एन माइनस वन टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म करना है। एन माइनस वन टाइम क्या है? वी माइनस वन, यानी वर्टाइसेस में से एक माइनस कर दिया हमने, और एन हमारा क्या है? एन हमारा नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। तो किसी भी कंप्लीट ग्राफ में अगर आपको वर्टाइसेस की वैल्यू गिवन होती है, तो उसकी नंबर ऑफ एजेस हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो इस कंप्लीट ग्राफ की कॉम्प्लेक्सिटी अगर इस पर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो वो कितनी निकल जाएगी? ये इसके एजेस हो गई और ये v माइनस वन टाइम आपने इसको रिलैक्सेशन परफॉर्म करा है। तो ये अगर देखें तो ये किसके ऑर्डर की आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ, यहाँ देख लो, n इंटू एन, एन स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया और वन एन और मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये किसके ऑर्डर की हो जाएगी? एन क्यूब के फॉर्म की हो जाएगी, ठीक है। इसकी एल्गोरिथम आप लिख लेना। अब मैं इसका ड्रॉबैक बता देती हूँ इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। जैसे अगर ये कोई ग्राफ है, आपको मैंने बोला कि जो ग्राफ में अगर नेगेटिव वेट साइकिल होती है, तो उस केस में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम फेल हो जाती है। तो जैसे ये कोई ग्राफ गिवन है, यहाँ पर अगर देखें तो ये एज, इसमें 4 वर्टाइसेस है, तो इस पर जब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, तो कितने टाइम हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाई, कितने नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म करेंगे? 3 इटरेशन परफॉर्म करेंगे। ये मैंने एजेस मेंशन कर दी है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी क्लास में दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको किससे मेंशन कर देती हूँ? 0, इन्फिनिटी, 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 ये मेरा सोर्स वर्टेक्स है, तो इसकी डिस्टेंस को मैंने 0 से मेंशन कर दिया और रिमेनिंग को किससे कर दिया है? इन्फिनिटी से। ये मैंने एजेस की लिस्ट बना दी है। अब मुझे 3 टाइम इन एजेस को रिलैक्स करवाना है, ठीक है। तो मैंने शुरू करा, ये मेरा फर्स्ट एज ले लिया मैंने 3 to 2। किसी भी ऑर्डर में आप बना सकते हैं, आप इन और किसी भी ऑर्डर में, आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लग सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ले लिया मैंने 3 to 2, ये मेरी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में से 10 माइनस करेंगे तो भी इन्फिनिटी रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। 4 to 3, ये मेरा 4 है और ये 3 है, इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी है, कोई चेंज नहीं हुआ। ये हो गया, ये हो गया 1 to 4, ये 1 है और ये 4 है, ये 0 है, ये 5 है। 0 + 5 इज लेस देन इन्फिनिटी, 0 + 5 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस 0 + 5 इज लेस देन इन्फिनिटी। तो हम इसको क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे, इस इन्फिनिटी को अपडेट कर देंगे। किससे अपडेट कर दिया हमने? 5 से अपडेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 1 to 4 हो चुका है, 1 to 2 देखें, ये रहा 1 और ये 2। 0 + 4 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस इज लेस देन इन्फिनिटी, इसको अपडेट कर देंगे किससे? 4 से।
फिर हो गया, ये भी हो गया, 1 to 2 भी हो चुका है, अब 2 to 4, ये 2 है और ये 4 है, ये 4 है, 4 + 5 कितना हो गया आपका 9, इज 9 इज लेस देन 5, नो 9 इज ऑलरेडी ग्रेटर, सो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। तो अपडेशन क्या क्या हुआ, यहाँ हम वर्टाइसेस को मेंटेन भी कर देते हैं, 1 2 3 4, ये तो 0 ही है, 2 पर कॉस्ट कितनी अपडेट हो गई, 4 से अपडेट हो गई, 3 पर कितने से अपडेट हुई, इन्फिनिटी से, कोई चेंज नहीं हुआ, और 4 पे किससे अपडेट हुई, 5 से। ये फर्स्ट इटरेशन है, यानी आई की वैल्यू कितनी है 1। अब एक बार और इटरेशन चलाते हैं, आई की वैल्यू 2 से, 3 to 2, ये 3 है और ये 2 है, यहाँ इन्फिनिटी -10, इन्फिनिटी -10, और यहाँ ऑलरेडी कितना है 4, कोई चेंज नहीं होगा, 4 to 3, ये 4 और ये 3, ये 5 और ये 3, 5 + 3 कितना हो गया 8, 5 + 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, यस लेस देन इन्फिनिटी, इसको चेंज कर देंगे, किससे चेंज कर देंगे, 8 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपका कौन सा चेंज होगा, 4 to 3 हो चुका है, 1 to 4, ये 1 और ये 4, 0 + 4 इज लेस देन 4, नहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, ये भी अपडेट हो गया, 1 to 2, 1 to 4 करा था पहले मैंने, 0 + 5 यानी 5, अब 1 to 2 कर रहे हैं, 0 + 4 ऑलरेडी 4 है, कोई चेंज नहीं, 2 to 4, ये 2 है और ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है, 4 + 5 यानी कितना हो गया 9, और 9 और ये ऑलरेडी कितना है 5, यानी ऑलरेडी मिनिमम है मेरे पास। तो जहाँ जहाँ चेंजेस हुए हैं वो मैं मेंशन कर देती हूँ, 1 वाला तो कोई चेंज नहीं हुआ 0, 2 वाला मेरा ऑलरेडी 4 है, 3 वाला जो है मेरा अपडेट हो गया किससे 8 से, और 4 वाला किससे अपडेट हो गया है मेरा 5 से अपडेट, ये मेरा कोई चेंज नहीं हुआ 5 में, कोई चेंज हुआ। आई की वैल्यू ले लेते हैं 3, यानी थर्ड इटरेशन, थर्ड टाइम हम सेम वेल परफॉर्म कर रहे हैं, 3 to 2, ये 3 है और ये 2 है, ये 8 है और ये -10, 8 - 10 कितना हो जाएगा -2, और ये कितना है 4, -2 ऑलरेडी क्या है छोटा है, तो उसको किससे अपडेट कर देंगे, -2 से अपडेट कर देंगे, 4 to 3, 4 और ये 3, 5 + 3 8 और ये ऑलरेडी 8 है, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, 1 to 4, 0 + 5 लेस देन 5, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, ऑलरेडी 5 ही है, 1 to 2, 0 + 4 ये कितना हो गया 0 + 4 यानी 4 और ये -2, तो ये ऑलरेडी -2 छोटा है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, रिमेनिंग बची 2 to 4, ये 2 और ये 4, ये -2 है और ये 3 है, तो 5 - 2 यानी -2 + 5 तो कितना हो गया 3 और ये कितना है 5, तो ये कितना चेंज हो जाएगा 3 से चेंज हो जाएगा। तो अब वापस से क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं लिख लेती हूँ, 0, 2 पर चेंज हुआ मेरा -2, और 3 पर मेरे चेंजेस हुए हैं 8, और मेरा 4 पे चेंजेस कितना हुआ है 3, ठीक है। तो ये 3 इटरेशन परफॉर्म हो चुके हैं, पर आपने देखा कि हर इटरेशन में मेरे चेंजेस हुए हैं। अब मैं एक बार और इस इटरेशन को परफॉर्म करती हूँ, तो जब मैं एक बार और इटरेशन को परफॉर्म करती हूँ, देखें क्या क्या चेंजेस आते हैं, 3 to 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, ये 8 है, 8 - 10 कितना हुआ, ये हुआ है -2, ऑलरेडी है -2, ठीक है। 4 to 3, ये 3 है, 3 + 3 ये कितना हो गया 6, ठीक है, और ये कितना है 8, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, ये फिर से चेंज हो गई है, ठीक है। और देखिए 1 to 4, 1 से 4 इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 0 + 5 है और यहाँ ऑलरेडी क्या है 3, यानी ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू है, कोई चेंज नहीं हुआ। 1 to 2, ये 0 + 4 और यहाँ पर कितना है -2, मिनिमम है, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ 2 to 4, ये रहा 2 to 4, ये -2 और ये 5, -5 - 2 यानी 3, यहाँ कितना है ऑलरेडी 3, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। तो कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, ये तो 0 ही रहा, 2 वाली पोजीशन -2 है, पर 3 वाली जो पोजीशन थी वो किससे डिक्रीज हो गई, पहले 8 थी और अब कितनी हो गई 6, और ये कितने से चेंज हुई, ये 3 से ही चेंज हुई। यानी अगर आपके वर्टेसेस 4 थे और 3 नंबर ऑफ इटरेशन आपने परफॉर्म करी थी तो आपका ये वैल्यूज थी, पर 1 मोर टाइम और परफॉर्म करी तो पाथ आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और कम हो गई, अगर आप इसको और परफॉर्म करेंगे तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लोज साइकिल बन रही, या ये बोले कि ये क्लोज पाथ बन रहा है, जैसे 2 to 4 गए
फोर से थ्री गए और थ्री से टू गए, यानी एक साइकिल फॉर्म हो रही है। और इस साइकिल में जो एजेस का सम है ये फाइव है, यानी फाइव ये किसका सम हो गया, प्लस का थ्री, और ये कितना हो गया, माइनस का टेन। ये डायरेक्शन देखना अच्छे से, टू टू फोर, फोर टू थ्री और थ्री टू टू, तो इनका सम कितना आ रहा है, माइनस का टू आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक नेगेटिव वेट साइकिल हो गई, इसको बोलते हैं नेगेटिव वेट साइकिल। तो जब भी किसी ग्राफ में इस तरह की नेगेटिव वेट साइकिल होती है जिनमें एजेस की वेट का सम नेगेटिव होता है, तो उस ग्राफ में हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमने करा कि तीन बार तो हमने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इटरेशन रिलैक्सेशन परफॉर्म करा, पर वन मोर टाइम और परफॉर्म करा तो मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल हुई किसी भी ग्राफ में, तो उस ग्राफ का हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकते। पर बेलमैन फोर्ड का एडवांटेज भी हो गया कि अगर जो नंबर ऑफ इटरेशन है, कितने टाइम परफॉर्म करनी है, वी माइनस वन टाइम परफॉर्म करनी है, तो अगर हम एक वन मोर टाइम और इटरेशन परफॉर्म करें और हमारे ग्राफ में या हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में और चेंजेस आता है, इसका मतलब हो गया कि हमारे ग्राफ में क्या मौजूद है, नेगेटिव वेट साइकिल मौजूद है। तो उस ग्राफ का हम शॉर्टेस्ट पाथ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम से नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हमने परफॉर्म कर ली। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया उसमें हम बोल सकते हैं कि वन वर्टेक्स से वर्टेक्स नंबर टू पर जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, थ्री। वन टू थ्री पर जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, फाइव। वन टू फोर तक जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, टू। और वन टू फाइव तक जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, फाइव। तो ये मेरी क्या थी, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम थी, जिसमें मुझे कोई सोर्स गिवन होगा और सोर्स से मुझे रिमेनिंग सारे वर्टाइसेस तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, डाइक्स्ट्रा को हमने किससे सॉल्व करा था, ग्रीडी अप्रोच से, जबकि बेलमैन फोर्ड में को हमने किससे सॉल्व करा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मतलब हमने सारे पाथ कंसीडर करे, यानी सारे एजेस को कंसीडर करा और उनको रिलैक्सेशन करते गए, कितने टाइम तक, कितने टाइम तक हमने रिलैक्सेशन करा, v माइनस वन टाइम। यानी अगर v वर्टाइसेस का सेट है, तो यानी अगर वर्टाइसेस पांच है तो हमने चार बार रिलैक्सेशन परफॉर्म करा और शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करा। होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।